नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ वो लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत काम का है। ये अक्सर मेरे पास बहुत से लोगों का फ़ोन आता है कि सर हमें पीरियड में पेन होता है तो उसमें क्या करें। और मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने क्लिनिक में आते कि पीरियड से लेडीज़ को, कुछ लेडीज़ को इतना पेन होता है पीरियड में कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इतना पेन किलर, दो दो तीन तीन पेन किलर उनको खाना पड़ता है, फिर भी उनको आराम नहीं मिलता है और बहुत तड़पती रहती है एक दो दिन के लिए। तो उन लोगों के लिए मैं बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी पीरियड से परेशान हैं या आपके कोई जानकार परेशान है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे आप किसी की हेल्प कर पाएंगे। बिना साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ मैं। देखिए, पीरियड पेन कई तरह का होता है। कुछ लोगों को पीरियड आने से पहले ही, कुछ लेडीज़ को, महिलाओं को, लड़कियों को पीरियड आने से पहले ही, मेंसिस आने से पहले ही पेन स्टार्ट हो जाता है, और कुछ को पीरियड आने पर स्टार्ट होता है पेन। और पेन भी बहुत भयंकर जब पेन होता है कि बर्दाश्त से, नॉर्मल पेन होना एक नॉर्मल बात है, तो हल्का सा डिस्कम्फर्ट होना एक नॉर्मल बात है, बट जब पेन ज़्यादा हो जाता है तो वो एक टेंशन की बात है। और महिलाओं पर बहुत बुरी तरह से वो उनका टाइम निकलता है, बहुत लड़कियों का टाइम बहुत बेकार निकलता है, दर्द से कराहते हुए तड़पते हुए निकलता है। तो उसके लिए मैं आज ट्रीटमेंट बताऊँगा। उसके लिए मैं आपको एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बताऊँगा। इसके अलावा जो लोग एक्यूप्रेशर नहीं कर सकते, घरेलू इलाज भी बताऊंगा। जो लोग एक्यूप्रेशर के साथ साथ आप घरेलू इलाज भी कर सकते हैं तो घरेलू ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। इसके अलावा लास्ट में थोड़ा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो स्टूडेंट है एक्यूप्रेशर के, उनको ये भी बताऊँगा कि ये पॉइंट हमने क्यों सिलेक्ट किया है, कैसे प्रोटोकॉल बना है। एक सिंपल सा है, मेन प्रोटोकॉल नहीं है, सिंपल सा कि तुरंत चार पॉइंट का ट्रीटमेंट बताऊँगा। चार पॉइंट का प्रोटोकॉल है, चार पॉइंट पर प्रेशर देने से ही आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये पीरियड में क्रैम्प्स आना, पेन होना क्यों होता है। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कि इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है ओवरी में, इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। सर्विक्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको PID भी बोलते हैं, जब अंदर पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो वजह हो सकती है। इसके अलावा सिस्ट हो बन जाता है, PCOD में भी कुछ लोग, महिला को पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ओवरवेट वालों को होता है। इसके अलावा जो लोग फिजिकली एक्टिविटी जिनकी कम होती जा रही है उन लोगों को हो जाता है, जो महिलाएं, लड़कियां जंक फूड का सेवन ज़्यादा करती है उन लोगों को भी हो सकता है। इसके अलावा फाइब्रॉइड्स की वजह से भी बहुत से लोगों को होता है, जब यूट्रस में फाइब्रॉइड बन जाते हैं तो उसकी वजह से भी पेन होता है। और भी अन्य बहुत से कारण है, बट उसका इलाज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, उसका इलाज आपको कैसे करना है। एक तो जो कारण है, अगर PCOD है, फाइब्रॉइड है, तो उसका इलाज आप करने की कोशिश कीजिएगा। और आपका अगर फिजिकली एक्सरसाइज, फिजिकली एक्टिविटी करने की ज़रूर कोशिश कीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो योगा का आप ले सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं, वो मैं लास्ट में आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा कि आप क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, अभी सबसे पहले बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की। देखिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होता है, जो वो है SP6। SP6 बहुत बढ़िया पॉइंट है। वैसे तो ये आपके पैर में होता है SP6, बट मैं आपको पैर का, आपको यहाँ पर पिक्चर आ जाएगी SP6 कहाँ होता है, पर मैं हाथ में आपको दिखा देता हूँ कि SP6 कहाँ पर होता है। आप कहेंगे तो मैं इसका फिर अलग से एक SP6 का ओरिजिनल पॉइंट बताऊँगा, पर सुजोक पॉइंट भी उतने ही इफेक्टिव है जितना कि ओरिजिनल पॉइंट TCMK पॉइंट होते हैं। और इसकी पिक्चर मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ साथ ओरिजिनल SP6 की आपको दिखे। आप SP6 यहाँ पर भी प्रेस कर सकते हैं, और SP6 आप फिंगर में भी, मिडिल फिंगर में आपका होता है। देखिए, यहाँ पर, यहाँ से जो आपको ये मिडिल फिंगर, ये जो जॉइंट है, यहाँ से आपको एक मैग्नेट की दूरी पर, एक मैग्नेट की दूरी पर, यानी कि इतनी दूरी पर, एक इतनी इतनी दूरी पर आपको यहाँ पर SP6 होता है सेंटर में, मिडिल फिंगर के मिडिल में। यहाँ पर आपको देखिए, ये जॉइंट के नीचे, यहाँ पर मिडिल में, यहाँ पर होता है SP6। आपको यहाँ पर इस तरह आपके पास पेन होगा तो पेन से आप इसको प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए, पेन से इस तरह से आपको प्रेशर देना है SP6 पर। इसके अलावा आपको एक पेपर टेप ले लीजिएगा, या जो भी टेप, सेलो टेप वगैरह अवेलेबल हो आपके पास, ये मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, पेपर टेप बोलते हैं, हाफ इंच का पेपर टेप है, ये आप ले सकते हैं। नहीं है तो सेलो टेप से भी आप काम चला सकते हैं इमरजेंसी में। आपको क्या करना है, वहाँ पर मूंग की दाल, साबुत मूंग जो होता है, साबुत मूंग को लेकर, या मेथी का दाना, मैंने मेथी का दाना लिया, ये देखिए इस तरह से
टेप चिपकाया और SP6 पॉइंट पर आपको चिपका देना है इस तरह। देखिए ये SP6 और SP6 आप यहाँ पर भी चिपकाएंगे, दूसरी मिडिल फिंगर में भी सेम ही पॉइंट है ये। ये देखिए यहाँ पर भी आपको ये देखिए SP6 ये सेंटर में ये SP6 है, ये मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कहाँ पर है एग्जैक्ट लोकेशन। ये देखिए इसके थोड़ा आगे पीछे भी होगा तो चलेगा, लेकिन सेंटर की लाइन में ही होना चाहिए, मिडिल फिंगर में 1.5 सेंटीमीटर भी आगे पीछे चलेगा, आपको थोड़ा टेंडरनेस मिलेगी। पेन से दबाएंगे तो आपको पूरा एरिया कवर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको स्टिमुलेट करना है 2 से 3 मिनट के लिए, आराम मिलना आपको पीरियड पेन में स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको ये मेथी की चिपका देनी है, मेथी या कोई भी दाना लेकर आप चिपका सकते हैं और उसको फिर आपको प्रेशर देने में भी आसानी रहेगी। इस तरह से प्रेशर दे सकते हैं इस तरह से। ये देखिए ये SP6 पर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होता है हमारा वो है लीवर 3। लीवर 3 भी आपके मिडिल फिंगर पर यहाँ पर है लगभग। ये देखिए ये लीवर 3 है यहाँ पर साइड में है, वो सेंटर में था, ये इंडेक्स फिंगर वाली साइड में है लीवर 3। इस पर भी आपको थोड़ी देर प्रेशर देने के बाद पेन के उल्टी साइड से यहाँ पर इस तरह से आपने प्रेशर दिया और उसके बाद आपको यहाँ पर भी मेथी का दाना लगा देना है। जी हाँ, इस तरह से मेथी लगा देनी है। आप मेथी टेप में चिपकाया और लीवर 3 पर लगा देना है इस तरह से। इस हाथ में भी यहाँ पर लीवर 3 है, मार्क करके फिर से आपको दिखा देता हूँ लीवर 3 यहाँ कहाँ है। ये देखिए लीवर 3 है मिडिल फिंगर में साइड में, इंडेक्स फिंगर की साइड में ये लीवर 3। यहाँ भी आपको टेप चिपका देनी है, टेप से मूंग है तो मूंग चिपका लीजिएगा, वरना आप मेथी या कोई भी बारीक दाना लेके चिपका सकते हैं। ये देखिए लीवर 3 पर लगा दिया। इसके बाद जो हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट है वो है LI4। LI4 पर भी चिपका देंगे हम इसी तरह से। LI4 कहाँ पर है पहले वो देख लेते हैं। LI4 यहाँ पर है, ये देखिए आपके इंडेक्स फिंगर की बैक साइड में जो ऊपर का जॉइंट होता है इसके बिल्कुल साइड पर, इस साइड में ऊपर बिल्कुल इसके नीचे की तरफ है ये जॉइंट के नीचे। ये देखिए यहाँ पर ये LI4 है। ये देखिए इसके अलावा जो ओरिजिनल पॉइंट है वो कि हाथ में है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। LI4 पॉइंट ये भी है, सेम ही पॉइंट है, आप इसको ट्रीटमेंट कर लीजिएगा या इसको कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर जो आपका उड़ा हुआ पार्ट है ये आपका LI4 है। यहाँ भी आप इस तरह से प्रेशर दे सकते हैं। ये वैसे तो पूरी बॉडी का पेन किलर पॉइंट है और पीरियड में क्लैंप्स होना, पेन आना, उसके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया काम करता है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको प्रेशर देना है। ये देखिए इस तरह से ये, और यहाँ पर मेथी बांध सकते हैं आप। यहाँ पर प्रेशर देते रहिए और यहाँ पर मेथी बांध कर भी हल्का हल्का प्रेशर देते जाइएगा। यहाँ तो इसी को भी ट्रीटमेंट करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर आपको फिर क्या करना है, आप आखिर यहाँ पर मेथी नहीं लगाते तो यहीं पर लगाइएगा। एक मटर का सूखा मटर आता है उसका दाना लगा लीजिए या चने का दाना एक लगा लीजिएगा, क्योंकि बड़ा पॉइंट है। इस तरह से आप लगा लीजिएगा टेप से और इसको प्रेशर देते रहिएगा दोनों हाथों में। इस हाथ में यहाँ पर है और इस हाथ में ये LI4 यहाँ है, मार्क करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये LI4 पॉइंट है और ओरिजिनल पॉइंट यहाँ है। दोनों में से कोई सी भी एक पॉइंट पर आप प्रेशर दे सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर कम से कम 2 से 3 मिनट प्रेशर देना है तो आप देखेंगे कि पीरियड का जो पेन है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्रैम्प आना बंद हो जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और बता रहा हूँ जो बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये है GV34, गोल्ड ब्लैडर 34 यहाँ पर। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, इस पर भी आपको इस तरह से प्रेशर देना है। ये देखिए मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट के बिल्कुल नीचे सेंटर में है ये, ये है। यहाँ भी आपको प्रेशर देने के बाद मेथी या मूंग या कोई भी छोटा बारीक दाना यहाँ पर लगा देना है टेप के साथ और उसको प्रेशर देते रहना है। ऐसा ही साथ में भी लगाना है। यहाँ भी आपको मैं GV34 दिखा देता हूँ। ये देखिए GV34 है। यहाँ भी आपको ऐसे ही मूंग की दाल, साबुत मूंग या फिर आपको मेथी का एक दाना चिपका लेना है और उसको प्रेशर देते रहना है। ये 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है लीवर 3, SP6, LI4, GV34। ये 4 पॉइंट को लगाने से आपको
जो पेन हो रहा है पीरियड में या क्रैम्प्स आ रहे हैं उसमें रिलीफ मिल जाएगा। वैसे तो सिर्फ SP6 को लगाने से ही 30% लोगों को आराम मिलता हुआ देखा गया। ऐसा कई स्टडी हुई है, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, जिसमें देखा गया है कि पीरियड के दौरान SP6 पर ट्रीटमेंट देने से पीरियड पेन जो है वो कम हो जाता है। तो SP6 जो मैंने बताया था यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बताया था SP6, और ये पैर में है, यहाँ देखिए पिक्चर आ रही होगी तो देख लीजिएगा आप, यहाँ पर SP6 है, यहाँ भी लगा सकते हैं, और इसका ओरिजिनल पॉइंट जो पैर में है वहाँ भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कहीं भी ट्रीटमेंट दीजिएगा, सही जगह में होगा तो बिल्कुल इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा। ऐसा नहीं कि आपको पैर में ही देना है, पैर में जितना इफेक्टिव है उतना ही यहाँ भी इफेक्टिव है। जहाँ आपका मन करे, जहाँ आपके लिए कम्फर्टेबल हो, वहाँ आपको ट्रीटमेंट देना है। इसके अलावा जो मैंने जो पॉइंट बताया था पहला SP6, फिर Liver 3, देखिए Liver 3 यहाँ पर है, फिर उसके बाद था आपका LI4 और GV30 पर, ये चार पॉइंट थे। इससे आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत से लोगों जैसे मैंने बताया एक से दो पॉइंट में ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जिनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है पीरियड आने से पहले, तो उनको दो चार दिन पहले ही ये पॉइंट लगाने स्टार्ट कर देने चाहिए, तो आप देखेंगे कि बहुत फ़ायदा हो। और जो 10-15 दिन पहले से ही ये पॉइंट लगाना शुरू कर देंगे, उनको जो प्रॉब्लम होगी छोटी मोटी प्रॉब्लम, वो भी ठीक होनी शुरू हो सकती है अगर वो पहले से लगाना शुरू कर देंगी, या एक महीने दो महीने लगाती रहेगी। नहीं तो कम से कम पीरियड शुरू होने के 10 से 15 दिन अगर पहले आप लगा लेती हैं और कुछ बड़ी प्रॉब्लम होगी तो वो भी इससे सॉल्व हो जाएगी, और तुरंत लगाने पे आपको आराम तो ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप पहले ट्रीटमेंट नहीं कर रही हैं उस कारण को दूर निकले, तो भी आप तुरंत लगाएंगे पीरियड के दौरान तो भी ये चार पॉइंट में फ़ायदा मिल जाएगा। वैसे तो बहुत से लोगों को मैंने बताया कि एक से दो पॉइंट में फ़ायदा मिल जाता है। अभी बात करते हैं कि इसका घरेलू नुस्खा क्या है। देखिए घरेलू नुस्खे तो बहुत सारे, तो सिंपल सा होता है कि आपको गर्म पानी की बोतल से सिकाई करनी होती है पेट की, नाभि के नीचे जो पेट है वहाँ पर आपको पूरी सिकाई करनी होती है, उससे बहुत आराम मिलता है। कोई ऑयल की मसाज लेकर उस मसाज भी कर सकती हैं, उसके बाद आपको ये हीट, उससे हीट की बोतल, पानी की बोतल, गर्म पानी की बोतल से आपको मसाज करनी होती है। ये एक सिंपल सा नुस्खा जो सब लोग करते आ रहे हैं। इसके अलावा ये खाने के लिए, खाने में क्या नुस्खा अपनाएं घरेलू, अजवाइन और जिंजर यानी कि अदरक, इसको आप गर्म पानी में बॉईल करके उसको धीरे धीरे पियेंगे तो इससे भी तुरंत 10 मिनट के अंदर आराम मिलता देखा गया। अब कम से कम 60-70% लोग, महिलाओं को, लड़कियों को इससे आराम मिलता देखा गया। जिंजर या अजवाइन दोनों में से एक चीज़ को अभी आप प्रयोग कर सकते हैं, और आप दोनों को मिक्स करके भी पानी में बॉईल करके एक कप अजवाइन, एक चम्मच अजवाइन लीजिएगा, थोड़ा सा इतना सा अदरक लीजिएगा, उसको अदरक को छोटे छोटे काट के पानी में, एक गिलास पानी में डाल, डेढ़ गिलास पानी में डालिएगा, जब एक गिलास रह जाए तो उसको छान कर आप पी लीजिए, तो आपके पीरियड के पेन में आराम आ जाएगा आपको। ये हो गया घरेलू। अभी एक्सरसाइज क्या है, जो नी टू चेस्ट एक्सरसाइज होती है वो आप कीजिएगा, वो आपके पीरियड के दौरान बहुत अच्छी है। और पीरियड के दौरान आप लाइट एक्सरसाइज कर सकती हैं। बहुत सी महिला ऐसा सोचती है कि पीरियड में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, बट लाइट एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है तो आप ले जाओ। पीरियड आने से पहले ही आप फिजिकली एक्टिविटी पर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर लीजिएगा, एक्सरसाइज रेगुलर कीजिएगा पीरियड आने से पहले, तो आपका पेन अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप पहले 7 दिन पहले से एक्सरसाइज कम से कम हाफ एन आवर एक्स्ट्रा करने लगेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अभी ये हो गया एक्सरसाइज होगी, नीड टू चेस्ट जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो भी आप करके देख सकते हैं। तो अभी इसके लिए अभी मैं बताऊं कि जो एक्यूप्रेशर स्टूडेंट है उनको मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी पॉइंट का प्रोटोकॉल कैसे बनाए। देखिए उसके लिए क्या है कि हमने जो लिया है सबसे पहले SP6 पॉइंट लिया है, ये डिजिटल पॉइंट है। जो डिजिटल पॉइंट क्या है, पेल्विस रीजन का डिजिटल पॉइंट है, इसलिए पेल्विस की कोई भी समस्या होती है तो सिंगल पॉइंट लगाने से ठीक हो जाता है, इसलिए हमने इसका डिजिटल पॉइंट लिया है। और ये वैसे भी जो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत काम का बिंदु, एक्यूप्रेशर में इसको बताया गया। पीरियड प्रॉब्लम के लिए मेंसेस की कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्रैम्प्स के लिए, पेन के लिए, उसके लिए ब्लड को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, तो इसलिए हमने SP6 लिया डिजिटल पॉइंट की वजह से। इसके बाद हमने लिया LI4। LI4 इसलिए लिया हमने कि LI4 जो पॉइंट है वो एनर्जेसिक पॉइंट बताया गया है एक्यूप्रेशर में, और पीरियड के लिए अच्छा होता है, ब्लड के फ्लो को सुधारता है, नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा को निकालता है, टॉक्सिन्स को निकालता है, और एनर्जेसिक पॉइंट होने की वजह से मैंने इसमें इस पॉइंट को लिया है। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट लिया है वो था LI4। LI4 की बात हो गई, लीवर थ्री इसलिए लिया है कि एक तो ये
लीवर की एनर्जी को बैलेंस करता है, लीवर के में ब्लड फ्लो होता है उसको, यूट्रस में ब्लड फ्लो को रेगुलर करता है। इसके अलावा ये एक यौन सोर्स पॉइंट भी है और शू स्ट्रीम पॉइंट भी है। शू स्ट्रीम पॉइंट क्योंकि यहाँ से हमारी ये मेरिडियन निकल रही है, ओवरी लीवर मेरिडियन ओवरी के पास से निकली, इसलिए हमने उसका शू स्ट्रीम पॉइंट लिया है लीवर थ्री। इसके अलावा लीवर थ्री इसलिए भी लिया है कि LI4 के साथ मिलकर ये फोर गेट्स बनाता है और पूरे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है और जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है उसको निकालता है, पेन को निकाल देता है। फोर गेट्स कहा गया है इनको, LI4 के साथ जब लीवर थ्री मिलता है तो बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। जो मेंटली स्ट्रेस रहता है लेडीज़ को इस टाइम में, वो भी रिलीज़ कर देते हैं ये पॉइंट। और अभी बात करते हैं GB34 गॉलब्लैडर 34 हमने इसलिए लिया कि ये इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है मसल्स के लिए, और ऐसे टाइम में लेडीज़ को मसल्स क्रैम्प आते हैं, मसल्स में टाइटनेस हो जाती है, तो उसमें ये रिलीज़